हाय, दिस इज किलाया रिएक्ट्स। और आज मैं रिएक्ट करूंगी डीनो जेम्स के गाने पर। इस गाने का नाम है मिराज। एक स्पेशल इंसान की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास काफी बार। अब्दुल जी इनका नाम है। हेलो अब्दुल जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपने काफी बार रिक्वेस्ट करा, तो मैंने सोचा अगर आप भी मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे थोड़ा सा दिन में शायद 5 मिनट भी अगर देखते होंगे देते होंगे, तो मैं आपको 10 मिनट क्यों नहीं दे सकती अपने लाइफ के। इसलिए आज मैं रिएक्ट करूंगी डीनो जेम्स के गाने पर आपकी रिक्वेस्ट पे। और हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आपको एक फैमिली कहूंगी। आप सब मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मैं रिसीव करती हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा लोग मुझे देखते नहीं हैं अभी, बट फिर भी जितने भी लोग देखते हैं, 100, 150, 200, जितने भी लोग देखते हैं, मुझे खुशी होती है ये जान करके। एटलीस्ट आप लोग मुझे देख रहे हैं, बस मुझे इसी चीज़ की बहुत खुशी है। और ऑनेस्टली मैंने कभी डीनो जेम्स जी के गाने नहीं सुने हैं। एक बार पहले मैंने कोई ब्रेकअप वाला कोई गाना सुना था, एंड एक फैट लॉस वाला, जो फैट लॉस मोटिवेशन थी, जिसमें एक बहुत बल्की सी एक एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छा उन्होंने रोल करा था, एक बार वो गाना मैंने सुना था। उसके अलावा मैंने उनका कोई गाना नहीं सुना, और मुझे लगा नहीं था मैं कभी रिएक्ट करूँगी उनके गाने पे। बट जब कोई दिल से पुकार करता है ना कि यार प्लीज़ रिएक्ट कर दो, तो मुझसे भी रुका नहीं गया। मैंने कहा ठीक है यार, मैं करूँगी। क्योंकि क्या हुआ, एक कॉमेंट में उन्होंने ये भी लिख दिया था कि पहले मैं तुम्हारा फ़ैन था, पर अब मैं तुम्हारा हेटर हूँ। तो यार ऐसे हेटर नहीं बनते ना, इसलिए आज मैं रिएक्ट करती हूँ। Let's start the song. सुन, अगर तूने डिसाइड कर लिया है तो मर जाना, क्यों वेट कर रहा है? अगर तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने सारे लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेरे को ये नहीं दिख रहा कि तू कहाँ पर खड़ा है, तो क्या करेगा जिक्र वैसे भी? It's better you commit suicide. जब पहुंचूंगा मैं पीक पे, भागा चला जा रहा है तू इसी बस उम्मीद पे, देख ही नहीं पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से है, काफी बड़ी मिस्टेक है, सभी साली ट्रिक्स है। सैड था तू जब थे खाली 10 रुपए जेब में, आज लाखों में कमा रहा है, फिर भी स्ट्रेस तेरा सेम है। नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं, कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी। तू फल तोड़ने चला है जो बीज तूने सींचे नहीं, फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके। सुन मंजिल जैसा कुछ भी नहीं, बस आते रहेंगे नाके, सब दिया तुझे रब ने तू बगल में झाके। तुझे कभी ना पता चलेगा, बस तू चला चलेगा जब तक हो ना जाए राख, सारा दिन बस रेस करे, जाने किसे चेस करे, एंड में यही कहेगा फक। सही जिंदगी को छेड़ के बस लालच घुसेड़ के, फिर निकला है सफर पे आज, तू चले संग भेड़ के, उजाले हैं अंधेरे के, ये सब सारा है जो थे मिराज। है मिराज, है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे जो भी चाहा बाकी शांत होगा, तू इसकी क्या गारंटी, और जो मिला वो रहेगा, है क्या इसकी कोई वारंटी? तो रुक और टेक अ ब्रेक और छोटे आंखें खोल के देख, सपने जो देखे थे तूने वो तो जी रहा है करेंटली, जाने तू क्या पाने चला हाथों का सब छोड़ के, मजे तो ले फल के जो लाया है तू तोड़ के, यही तेरा आज है और इसी में सारा स्वाद है, वो भी तेरे होंगे फिलहाल है वो किसी और के। मनी कैन बाय एवरीथिंग और हर एक बड़ी चीज, घर में मर्सिडीज और टच वुड बैंक अकाउंट 30, फिर भी परेशान और भागे पीछे मल के तू विक्स, जो भी चाहा वो मिला बस मिलानी मेंटल पीस, पहले खुश रहता था कहे रब की सब मेरे, फिर इंस्टाग्राम में जाके करता हैप्पीनेस कंपेयर, अब टूटी सारी नींदे और टूटा सारा धैर्य, अब बोले जग अनफेयर है। ये राज को तू ना जाने, तभी जिंदगी है बेकाबू,
तुझे अपनी ओर खींचेगी। कुछ इस तरह कहे जादू, तू दर बदर ही भटकेगा और सब पड़ा है तेरे बाजू। जो है बेखबर है वो परेशान, जो समझ गया बना साधु। डीनो क्या कर रहे, गिर जाएगा। मम्मी टेंशन मत लो, मैं ले लूंगा ये बलून। वहां से गिर जाएगा, यहाँ पर आ। कुछ नहीं होगा मुझे, मार खाएगा। इधर आ। है मिराज, है सारा ये मिराज, तुझे खींचे जाए पास, दिल को बहलाए रे प्यास, और बढ़ती तेरी प्यास, कर पानी की तलाश पर मिल ना पाए रे। गाली 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 ऐसे, जाली 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 ऐसे, खाली 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 ये सब, जाली 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 ये सब, खाली 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 ये सब, जाली 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 ये सब। माई गॉड, अनबिलीवेबल। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा वैल्यूबल कोई गाना हो सकता है सच में। मतलब इतना ज़्यादा क्लियर विजन था ना इस गाने का। आप सब लोगों को जिनको मिराज का मतलब नहीं पता है, मैं समझा देती हूँ। मृग तृष्णा का नाम सुना है आपने? जब अपन रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर, मतलब रेगिस्तान में आगे मिट्टी से आगे अपने को ऐसे दिखाई देता है यार पानी है वहाँ पे, तो पर पानी नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे सूरज की लाइट से एक ऐसी रोशनी उत्पन्न होती है कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम पैदा होता है दिमाग में कि यार वो पानी है, पर वो पानी नहीं होता। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो लाइफ है ना, ये भी इसी तरीके की है। ये जो अपने को ऐसा लगता है यार, हाँ भाई 150 रुपये आ गए, 150 नहीं, आजकल तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया, जैसे 2000 रुपये आ गए, मतलब अब मेरी जॉब की ना सैलरी मिल गई है मेरे को 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो ये अपन ऐसे सोचते हैं, हाँ बस अब ये मेरे पास रहने वाला है, 1.5 लाख की सेविंग कर लूँगा, अब ये मेरे पास रहने वाली है हमेशा, मतलब इससे ही मेरी वैल्यू होगी, या ये चीज़ मतलब अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से। तो वो बता रहे डीनो जेम्स जी के यार ये ना सब इल्यूजन है, दिमाग का भ्रम है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसे मेरा है, वैसे मेरा है। वो और वो खुद के बारे में भी बोल रहे हैं कि जब उनके पास पैसा नहीं था तो वो थोड़े फ्री माइंड रहते थे कि यार ठीक है ना, चल कर लूँगा, और जब पैसा आ गया तो एकदम इतना स्ट्रेस है दिमाग में उनके। तो ये जो स्ट्रेस है ना, वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो खुद को ही बोल रहे हैं कि यार जो तूने सोची थी ड्रीम लाइफ अपनी सोची थी, वो लाइफ तू जी पा रहा है, इससे ज़्यादा तुझे क्या चाहिए। तो इतना ज़्यादा, एक एक लिरिक्स, एक एक लाइन को आप लोग सुनेंगे ना ढंग से, मतलब मैंने पहली बार सुना है गाना एंड मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा होगा गाना। मतलब अब्दुल जी थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए इस गाने के बारे में, क्योंकि यार लिटरली मैं इसको सुनने वाली हूँ। क्योंकि एक ना वो सॉन्ग्स होते हैं जिससे आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हो, एक निर्वाणा जो बुद्ध जी का हुआ था उस तरीके का गाना था ये, कि सब ना आँखों की जाली है, जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा इससे अस्तित्व क्रिएट होता है ना, ये सब आँखों की जाली है, उसको हटाओ। और ओ माय गॉड, मतलब यार मैं सोच नहीं सकती थी इतना 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 ज़्यादा सच्चा कोई गाना हो सकता है। उन सब गानों के लिए ये बहुत बड़ा एक एक आंसर टाइप का है, जो गाने पैसे के ऊपर बनते रहते हैं कुछ गाने, समझ रहे हो, पैसों की धौंस दिखाई जाती है किसी किसी गानों में। किसी गाने में हथियार बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, किसी गाने में कोई गलत मैसेज दे देते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और पता नहीं क्या क्या। तो यार ये जो गाना था ना इनका, ये उन सब गानों के ऊपर जैसे कि एक ना चेरी जैसा है, समझ रहे हो। एक सोच नहीं सकते कि इतना उम्दा काम कोई कर सकता है इस इंडस्ट्री में आकर। मतलब यार आपने दिल जीत लिया डीनो जेम्स जी, मतलब बहुत गजब का काम किया है, बहुत गजब। एक मतलब अगर हर कोई इस तरीके के गाने, मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, बट इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बट ना कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा, मतलब अपने जो लिरिक्स हैं बहुत ज़्यादा अपने स्टार्डम को यूज़ करते हैं कि गजब
तेरे भाई का ना ये वो ऐसे यूज करते हैं, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी अपने गाने के थ्रू नहीं बोला। इन्होंने जो भी बोला ना, मतलब ईगो जो वर्ड होता है ना वो अड़ता भी नहीं है। इनके गाने के थ्रू ऐसा पता चलता है कि एक ईगो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ व्यूज इस गाने पर हैं, और जितने भी लोग इनके गाने सुनते होंगे आई गेस ऐसे ही गाने बनाते होंगे, क्योंकि पहले मैंने बताया कि मैंने एक फैट लॉस वाला एक गाना देखा था तो वो गजब लगा था मेरे को बहुत। तो यार ये ऐसे ही गाने बनाते होंगे, बहुत अच्छे। और मैं ना धीरे धीरे करके इनके सारे गाने सुनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया ये सिंगर, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये मेरा रिएक्शन था इस बहुत इंस्पिरेशनल से, बहुत क्लियर विजन वाले, ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान जो है ना बहुत कहीं कभी कभार अपने को मिलता है इस दुनिया में। तो एटलीस्ट सच्चा ज्ञान हर जगह आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए ना तो आप इनके गाने सुनिए, ये गाना तो खूब बार सुनिए, लिरिक्स को उतारिए जहन में और कर दिखाइए कुछ बहुत अच्छा, बहुत कमाल का। पैसों के लिए मत करिए, पर दुनिया बदलने के लिए करिए, दुनिया में अच्छाई लाने के लिए करिए। ये है मेरे ख्याल इस गाने पर। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो हैंडल्स हैं वो मैंने नीचे लिंक में डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक में क्या मतलब लिंक डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पहुँच जाइए। बाकी जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, मैं भी इन्हीं की तरह काम करती हूँ, ट्रू नॉलेज पहुँचाती हूँ, बहुत ट्रू नॉलेज है। मतलब आप ना जैसे इनका गाना सुन के आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि और क्या बोल दिया, सच्ची चीज़ें बोल दी, वैसे ही मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू ऐसी ही पॉजिटिविटी पहुंचाती हूँ, ऐसा ही सच्चा ज्ञान पहुंचाती हूँ। फेस वॉश, साबुन, मैगी, घटिया प्रोडक्ट्स हैं एकदम, कभी यूज़ भी नहीं करने चाहिए, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती। और मैं सब्स्टिट्यूट बताऊँगी कि आप क्या उनकी जगह यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल, फ्री ऑफ कॉस्ट, एज इन के उस प्रोडक्ट से तो आधा दाम ही पड़ेगा और आपकी किचन में जाते ही आपको मिल जाएगा। तो ये मैं काम करती हूँ, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज किलाया रिएक्ट्स, बाय बाय।